हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब जॉब यूनिवर्सिटी चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों जैसा कि आपको पता हो कि अभी आरबीआई इंप्लाइज की सैलरी रिवाइज कर दी गई है एंड सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर के पोस्ट की बात करें तो आरबीआई ग्रेड बी की सैलरी को थर्टी लैक्स कर दिया गया है यानी कि एनुअल सीटी सी थर्टी लैक्स रहेगी एंड अगर मंथली सैलरी देखे तो मंथली सैलरी लगभग एक से डेढ़ लाख बनेगी इसके अलावा और भी बहुत सारे अलाउंसेस है जो आपको यहाँ मिलते हैं सैलरी के रिगार्डिंग मैंने सारी डिटेल्स की वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है आप वहां जाके सैलरी चेक कर सकते हो अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है या अगर आप 2022 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले हो तो आपके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी क्योंकि कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो सिंपल ग्रेजुएशन के बेसिस पे इतनी अच्छी सैलरी देती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एज लिमिट के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक वीडियो चैनल पर डाली हुई है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इस वीडियो में हम बात करेंगे आरबीआई ग्रेड बी की सिलेक्शन प्रोसेस एंड एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में लेकिन वीडियो शुरू से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि सारी आपको, टाइमली मिलती रहे। आपको दो ऑनलाइन एग्जाम देना होगा एंड उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा एग्जामिनेशन का सारा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड रहेगा फेज वन ऑनलाइन एग्जाम की बात करें तो यहां आपको सिंगल पेपर देना होगा आपसे टोटल टू हंड्रेड पूछे जाएंगे एंड मैक्सिमम मार्क्स टू रहेगा और इसके लिए आपको वन हंड्रेड ट्वेंटी मिनट आवर्स का टाइम मिलेगा यहां आपसे जनरल अवेयरनेस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग एंड इंग्लिश के क्वेश्चन और हर सेक्शन के लिए आपको सेपरेट टाइम मिलेगा क्वेश्चन पेपर इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा इसी के साथ यहां वन फोर्थ नेगेटिव मार्किंग रहेगी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए आपको इंडिविजुअल सेक्शनल कट ऑफ एंड ओवरऑल कट ऑफ दोनों ही क्लियर करना होगा सेक्शनल टाइमिंग की बात करें तो जनरल अवेयरनेस से टोटल 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड इसके लिए आपको 25 मिनट्स का टाइम मिलेगा रीजनिंग से टोटल सिक्सटी क्वेश्चन पूछेंगे इसके लिए आपको फोर्टी फाइव मिनट्स का टाइम मिलेगा इंग्लिश से टोटल थर्टी क्वेश्चन पूछाएंगे ट्वेंटी फाइव मिनट्स का टाइम मिलेगा एंड क्वानिटेटिव एप्टीट्यूड के भी थर्टी क्वेश्चन पूछाएंगे एंड इसके लिए आपको ट्वेंटी फाइव मिनट्स का टाइम मिलेगा तो यहां जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा और यहां क्वेश्चन वन मार्क्स का रहेगा प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आपको फेज टू यानी कि मेन्स के लिए कॉल किया जाएगा एंड यहां आपको ऑब्जेक्टिव एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट देना होगा टोटल थ्री पेपर्स में आपका टेस्ट होगा तीनों पेपर सिंगल डे में होंगे पेपर वन इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, पेपर टू इंग्लिश एंड पेपर थ्री फाइनेंस एंड मैनेजमेंट पेपर वन इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज की बात करें तो यहां आपको ऑब्जेक्टिव एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव दोनों ही टाइप के टेस्ट देने होंगे 50% ऑब्जेक्टिव रहेगा 50% सब्जेक्टिव रहेगा एंड ये जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट रहेगा इसे आपको कंप्यूटर पे टाइप करना होगा यूजिंग कीबोर्ड बोर्ड यहाँ आपसे टोटल 30 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा एंड मैक्सिमम मार्क्स 50 रहेगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की बात करें तो यहां आपसे टोल सिक्स क्वेश्चन जाएंगे जिसमें आपको फोर अटेम्प्ट करना होगा एंड दो क्वेश्चन आपको फिफ्टीन मार्क्स का अटेम्प्ट करना होगा एंड दो क्वेश्चन आपको टेन मार्क्स का अटेम्प्ट करना होगा इसके लिए आपको टोटल नाइन मिनट्स का टाइम मिलेगा एंड मैक्सिमम मार्क्स फिफ्टी रहेगा तो पेपर वन के लिए टोटल आपको टू आवर्स का टाइम मिलेगा एंड इसके लिए आपको टोटल हंड्रेड मार्क्स अलॉटेड रहेगा पेपर टू इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा यहां आपसे टोटल थ्री क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड इसके लिए आपको टोटल वन एंड हाफ आवर्स का टाइम मिलेगा एंड मैक्सिमम मार्क्स हंड्रेड रहेगा पेपर थ्री फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की बात करें तो यहां आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव टाइप दोनों ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे थर्टी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जाएगा इसके लिए आपको थर्टी मिनट्स का टाइम मिलेगा एंड मैक्सिमम मार्क्स फिफ्टी रहेगा डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट की बात करें तो यहां आपसे टोटल सिक्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपको टोटल फोर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे एंड टू क्वेश्चन आपको फिफ्टीन मार्क्स के अटैम्प्ट करने होंगे टू क्वेश्चन आपको टेन मार्क्स के अटैम्प्ट करने होंगे इसके लिए आपको नाइन्टी मिनट्स का टाइम मिलेगा एंड मैक्सिमम मार्क्स फिफ्टी रहेगा तो यहाँ पेपर थ्री अगेन ओवरऑल आपको टू आवर्स का टाइम मिलेगा एंड टोटल मार्क्स हंड्रेड रहेगा इंग्लिश को छोड़कर दोनों ही पेपर बायलिंग्वल रहेंगे यानी कि इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में रहेंगे फेज टू क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा इंटरव्यू टोटल सेवेंटी फाइव मार्क्स का होगा एंड यहाँ आप इंग्लिश या हिंदी किसी भी लैंग्वेज में इंटरव्यू दे सकते हो इंटरव्यू से पहले सारे कैंडिडेट्स को साइकोमेट्रिक टेस्ट देना होगा इस टेस्ट में कोई मार्क्स अलॉट नहीं किया जाएगा एंड फाइनल सिलेक्शन में भी इसकी कोई भूमिका नहीं रहेगी फाइनल सिलेक्शन कंप्लीटली आपके फेज टू एंड इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे होगी तो दोस्तों ये थी आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस एंड एग्जामिनेशन पैटर्न इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर देना ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहे थैंक यू